अगर आप लिविंग डबल डेकर ब्रिज के पास स्टे करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। होम स्टेज क्यों कंसिडर करना चाहिए, को ऐसे क्राउड को अवॉइड करना है और इस पल को बस देखना नहीं, इस पल को जीना है, तो आपको होम स्टेज डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। मैं आप सबको दिखाता हूँ सुबह का क्या नज़ारा होता है इस विलेज का। आप अगर 360 डिग्री घूमिएगा तो चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ दिखेगा और ये विलेज पहाड़ के एकदम बीच में है। सो दिस इज सिपारा होम स्टे और इस विलेज का नाम नोंगरियाड विलेज है और इस होम स्टे से लिविंग रोड ब्रिज का डिस्टेंस 10 टू 15 स्टेप्स है। कुछ ऐसे हैं, दो बेड और एक टेबल, और सच में गाइस जितना एक्सपेक्ट करके आओगे ना उससे ज़्यादा साफ मिलेगा। सबसे बेस्ट पार्ट यहाँ के फूड्स हैं, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप कहीं बाहर खा रहे हो, आपको पूरे घर वाली फीलिंग आएगी यहाँ के खाना खा के। सम टाइप ऑफ पकौड़ी, सैलड, बीन्स, हम इसी पे स्टे किए हैं। और एक होम स्टे ये भी है, इसको भी आप देख सकते हैं। ये रहा एक होम स्टे, ये रहा और ये रहा इसके डिटेल्स, नॉन गेस्ट हाउस। ये होम स्टे यहाँ का सबसे बेस्ट होम स्टे है। सो गाइस अगर आप होम स्टेज में स्टे करने का प्लान कर रहे हो, आने से पहले कांटेक्ट जरूर करके आएं। सो गाइस दिस इज इट। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा और कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और जाने से पहले नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना ना भूलें। सो टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।